नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं आपके साथ मोहम्मद फैसल। कोडरमा गया रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू हो सकता है। गुरपा स्टेशन के पास ट्रेन हादसे के बाद परिचालन सामान्य करने की कोशिश जारी है। मालगाड़ी के डिब्बे को ट्रैक से हटा दिया गया है, जिसके बाद ट्रैक पर इंजन का ट्रायल किया गया। मालगाड़ी के डिब्बे को पटरी से हटाया गया है और उसके बाद ट्रायल करने के बाद जल्द शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। कोडरमा में जिस तरह से ट्रेन का बाधित हो जाना, कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करके चलाया जाना, अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल जो है ट्रेन का रूट डाइवर्ट करके उसका ट्रायल लिया गया और जल्द होगा ट्रेनों का परिचालन। ट्रेन फिलहाल इस वक्त हमारे सहयोगी आर्यन कोडरमा से सीधा जुड़ रहे हैं। जी आर्यन, रेलों का परिचालन ठप था, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, कोडरमा गया रेलखंड पर जो परिचालन है वो पूरी तरह से बाधित है, चूंकि मालगाड़ी के 53 डब्बे पटरी से उतर गए थे। हालांकि हाजीपुर के जीएम भी वहां मौजूद हैं, धनबाद रेल मंडल के डीआरएम भी घटनास्थल पर मौजूद है और युद्ध स्तर पर काम चलाया जा रहा था, चूंकि छठ पूजा भी है और कई लोगों के कई महीने पहले से टिकट की बुकिंग भी कराई गई थी। लोग इतने परेशान हैं कि लोग एकमात्र लाइफलाइन है रेलवे, और रेलवे का किराया भी लोग वेयर कर पाते हैं। बाकी अगर बात करें हम यहाँ से रांची जाने में कार से 2000 रुपए का पेट्रोल लग जाता है या फिर बस मार्ग से, तो ऐसे में रेलवे एकमात्र साधन होता था जिससे आम लोग यात्रा कर पाते थे। ट्रेनों का परिचालन बाधित होने की वजह से लोग इतने परेशान हैं। छठ पूजा में कई लोग अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। विभिन्न लोगों से हमारी बात हुई थी, किसी के फादर कहीं फंसे हुए हैं, किसी की माता जी कहीं फंसी हुई हैं। तो रेलवे के द्वारा भी इस लोगों के इस समय को समझते हुए लगातार युद्ध स्तर पर काम चलाया जा रहा था और एक डाउन लाइन का जो लूप लाइन है उससे एक मालगाड़ी को अभी थोड़ी देर पहले पास कराया गया है और ये चेक किया गया है कि लाइन जो है वो अब दुरुस्त किया गया है कि नहीं सवारी गाड़ियों को निकालने के लिए। तो रेलवे के द्वारा हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, ना ही कोई रेलवे की तरफ से आधिकारिक बयान आया है, लेकिन अभी और कुछ घंटे लग सकते हैं लेकिन रेलों का परिचालन जो है वो सामान्य हो सकता है। गया कोडरमा रेलखंड पर अभी विभिन्न ट्रेनों को आसनसोल से ASN PNB यानी पटना जंक्शन और DDU पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे निकाला जा रहा था, जो ट्रेनें पहले धनबाद कोडरमा गया के रास्ते मुगलसराय पहुंचती थी। तो अभी सभी ट्रेनों को उस तरफ से डाइवर्ट किया गया है और रांची से दिल्ली की जो ट्रेनें थी उसे बड़का कहना से डिहरी अनसोन निकालकर और फिर गया के रास्ते पटना भेजा जा रहा है, या फिर जनशताब्दी एक्सप्रेस जो थी जिसका सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं रांची से पटना जाने के लिए, जनशताब्दी पटना हटिया एक्सप्रेस, इन सभी ट्रेनों को बड़का कहना से डिहरी अनसोन की तरफ से पटना भेजा जा रहा था। तो ये सारी गाड़ियां अब तक कोडरमा नहीं टच कर रही थी जिससे यात्री काफी परेशान थे, लेकिन अब जब इंजन का ट्रायल कराया गया है तो लोगों में एक उम्मीद जगी है कि फिर से जो रेलवे की सुविधा है वो लोग उसका लुत्फ उठा पाएंगे और लोग इधर से उधर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। जी जी आर्यन, जैसा कि आपने बताया कि छठ महापर्व को लेकर भी यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ स्थानीय अधिकारी जो है रेलखंड के, क्या कुछ उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि जल्द ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए? जी बिल्कुल, अब तक जो रेल दुर्घटना हुई है उस पर आधिकारिक बयान रेलवे की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। हमने बात करने की कोशिश की थी, चाहे वो जीएम थे या डीआरएम थे, लेकिन सभी लोगों का ये कहना था कि वो लोग अभी व्यस्त हैं क्योंकि लाइन क्लियर कराना उनका पहला मकसद है, तो लोग उसमें लगे हुए हैं। तो मीडिया से उन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन कुछ अन्य अधिकारियों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी मेन जो हादसा जो हुआ है उसकी वजह क्या है, आखिर जब मालगाड़ी का ब्रेक फेल था तो उसे दिलवा स्टेशन पर लूप लाइन पर क्यों डाला गया, तो लूप लाइन पर चूंकि तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी को अगर लूप लाइन पर डालेंगे तो दुर्घटना एकदम संभव है। तो रेलवे के जो जानकार है वो भी बताते हैं कि किसी भी ट्रेन को अगर लूप लाइन पे लेना है तो उसकी गति सीमा पहले से 20 कर दी जाती है, उसके बाद ही वो ट्रेन पॉइंट से लूप लाइन की ओर जाएगा। तो
तो लगभग 120 की स्पीड, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि गाड़ी का ब्रेक फेल होने से उसकी स्पीड हो गई थी। तो ऐसे में दिलवा स्टेशन पर उसे लूप लाइन से क्यों डाला गया जिससे दुर्घटना हो गई? रेलवे के सूत्र ये भी बताते हैं कि आगे कोई सवारी गाड़ी जा रही थी जिसके चलते इसे लूप लाइन पर डाला गया है। तो ये कई सवाल है जिस पर रेलवे ने भी जांच के आदेश दिए हैं, और जांच होने के बाद ही जो एक्चुअल घटना कैसे घटी है, लापरवाही है या फिर दुर्घटना है या फिर पूरा मामला क्या है, ये क्लियर हो पाएगा। फिलहाल छठ पर्व को लेकर लाखों की संख्या में यात्री जो है वो फंसे हुए हैं, सड़क मार्ग पर भी जाम की स्थिति दिख रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं जो अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाई हैं। बहुत लोगों को छठ में आना था घर पे, वो लोग भी इधर उधर फंसे हुए अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो बिल्कुल रेलवे की जो लाइफलाइन है वो बंद होने की वजह से काफी अफरा तफरी का माहौल है पब्लिक के बीच में। जी 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 आर्यन, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन आपका। आपने देखा किस प्रकार कोडरमा रेल लाइन में, रेलखंड में किस तरह से रेल सेवा बाधित है, और जी इंजन का ट्रायल भी हो गया है, और उसके बाद अभी यात्रियों को कुछ क्षण के इंतजार के बाद फिर कुछ रेल सेवा शुरू कर दी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।